अगर प्रकृति ने आपको केचुए जैसा बनाया होता, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि केचुए में कुछ गलत है, बस इसमें एक ही तरह की क्षमता है, ये सिर्फ उतना ही कर सकता है। एक केचुआ पेड़ पर चढ़ने के बारे में नहीं सोचता, क्योंकि वो जानता है कि पक्षी उसे उठा लेंगे। उसकी ऐसी इच्छाएं कभी नहीं होती, ये सिर्फ पृथ्वी को रिसाइकल करना चाहता है। आप जानते हैं, ये हमारे साथ साथ कई दूसरे जीवन के लिए फायदेमंद है, लेकिन इसका मकसद बहुत साफ है, खाना, प्रजनन करना और मरना। उस मकसद को पूरा करने की वो कोशिश करता है। वो मुझे नहीं लगता कि वो दोपहर में सोता है। कई दोपहर मैंने केंचुए देखे हैं, वो सभी जोरदार सक्रिय थे, लेकिन एक इंसान बहुत सारी संभावनाओं के साथ आया है। इसी वजह से एक इंसान को खुद को सक्सेसफुल मानने के लिए एक खास स्तर के प्रयास की जरूरत होती है। अगर आपकी सफलता की सोच ये है कि आप अपने पड़ोसी से बेहतर कर रहे हैं, तो मैं इसे बीमारी कहता हूँ। ये सफलता नहीं है। आप खुश हैं, आपका पड़ोसी आपसे बदतर है, ये बीमारी है या सफलता? ये बीमारी है। पर आप जो कर रहे हैं उससे आप संतुष्ट हैं। चलिए इसे ही अभी के लिए सक्सेस मानते हैं।